तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बिजली होती है उसको हम घर पे कैसे बना सकते हैं। गाइस बिजली को बनाने के लिए जो है मैं सबसे पहले आपको एक जो है छोटा सा एक वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो को देखो। उसके बाद जो एक बल्ब होता है उसको मैं जो है बिजली को बनाऊंगा और फिर उस बल्ब को जलाऊंगा। तो गाइस ये हमारे पास सेल एवरेडी का जो कि खराब हुआ है, यानी कि हम ये मान लेते हैं गाइस ये है डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज हो चुका है। मैं आपको बता सकता हूँ ये डिस्चार्ज कैसे हुआ है गाइस, इसको जो है हम इससे जो है इससे चला कर देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं ये इससे जो है नहीं चल रहा है। तो गाइस अब चलते हैं हम साइकिल के पास और इसको जो है उसका जो पहिया होता है उसको घुमाएंगे और इसको रखेंगे उसके पास ताकि ये जोर से घूमे और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके अंदर आ जाए और ये चार्ज हो जाए। तो गाइस चलते हैं साइकिल के पास। तो गाइस अब हमने जो है ये सेल था इसको मतलब इसके साइकिल से पहिए से घुमाकर इसको जो है चार्ज करने की कोशिश की थी, तो अब इसको जो है इसको इससे चलाकर देखते हैं कि क्या ये घूमता है। गाइस अब आप देख सकते हैं कि ये जो सेल था वो चार्ज हो चुका है और ये जो है घूम रहा है लगातार। तो गाइस अब आपने जो है वो वीडियो देख लिया, उस वीडियो में जो है हमने जो सेल था उसको चार्ज कर दिया था और जो मोटर थी छोटी वाली हमने उसको फिर से जला दिया था। तो गाइस अब हमारे पास है ये, तो गाइस अब हमारे पास है ये छोटा सा ये बल्ब है और हमारे पास है ये मोटर। इसी मोटर की जो है सहायता से हम साइकिल का पहिया घुमाएंगे और फिर इससे जो है ये बल्ब जलाएंगे। गाइस अब ये जो छोटा सा ये जो बल्ब है इसको जो है इसके जो दो तार थे इन दोनों को हमने जो है तांबे के तार से इस तरह से लॉक कर दिया इन दोनों से, और अब इन दोनों तारों को जो है एक छोटी सी जो मोटर थी हमारे पास उसको इससे जोड़ देते हैं। गाइस अब इन दोनों को इससे अटैच कर देते हैं। तो गाइस अब देखते हैं इसको जोर से घुमाकर और फिर देखते हैं कि क्या ये जो छोटा सा बल्ब है क्या ये जल पाता है या फिर नहीं जल पाता है।